हेलो दोस्तों, निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज उड़ीसा पुरी की विजिट क्रम में मैं आप लोगों को कोणार्क सूर्य मंदिर जो का दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन आप लोग को बहुत ही सुंदर एवं सटीक जानकारी देने के लिए आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के बाद यहाँ देखिए सूर्य मंदिर का सबसे पहले प्रभाव जो यहाँ पर टूटा हुआ है विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, तो इन्हीं के बारे में आपको बताया और आगे हम बढ़ेंगे। सर जी पहले हम लोग घूम लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं सूर्य मंदिर का मुख्य पथ है। सूर्योदय जब होता है तब तो प्रथम रश्मि की किरणें यहाँ पड़ती हैं और यहाँ पर आप इनका स्वरूप देख सकते हैं। बहुत ही पुराना ये मंदिर है, 15वीं-14वीं शताब्दी का मंदिर है और इसमें दोस्तों मानव कलाकृति की अद्भुत छवि आपको देखने को मिलेगी। नाते ही जन्म से लेकर मरण तक की विवरणी आपको इस कोणार्क मंदिर में देखने को मिलेगी। हर क्रियाकलाप, हर गतिविधि, हर प्रकार की क्रियाएं जो मानव द्वारा की जाती हैं उनकी झलकियां आपको देखने को मिलेगी। बलुआई दोमट मिट्टी से बनाई गई है प्राचीन मंदिर सूर्य मंदिर बहुत ही रमणीक और बहुत ही सुंदर सजीला आपको देखने को मिलेगा। देखिए सब इस मंदिर में अनेकों बार आक्रमण विदेशी आक्रमणकारियों का हुआ। आप गुंबद देख सकते हैं, गुंबद में धन संपत्ति था। राजा लांगुड़ा नरसिंह देव के द्वारा ये बनाया गया। ये प्राचीन सूर्य मंदिर जो अभी अभिस्थापित है इसकी पूजा राजा नरसिंह देव के पीरियड से ही, जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो इसीलिए उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की दोस्तों, और सूर्य भगवान के तपस्या करने के पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी की याद में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा सूर्य मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसकी कहानी कुछ अलग है। पहले इस क्षेत्र में समुद्र का किनारा हुआ करता था। बालुई मिट्टी को भरते हुए और कारीगरी करते हुए मिट्टी भरते हुए ऊपर बनाते गए दोस्तों, अब बाद में मिट्टी को हटाए। लेकिन जिस वक्त मिट्टी को हटाए उस वक्त राजा इसमें एक निश्चित तिथि पर पूजा करना चाहा तो मुख्य मिस्त्री जो था इनका बनाने वाला जो कारीगर, उनका पुत्र 12 वर्ष में ये मंदिर बना था। उनका पुत्र 12 वर्ष में से अपने पिता को नहीं देखा था, जिस समय उसके पिता जी
इस मंदिर को बनाने आए थे उस वक्त से उनको वह नहीं देखा था, वो घर में ही था। तो जब 12 वर्ष का हो गया, अपनी माता से पूछने पर उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर आपके पिताजी बना रहे हैं, और वहाँ का राजा जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक आने नहीं देगा, ऐसा बोले। इस कारण तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। इतना सुनने के बाद लड़का पढ़ने लिखने लग गया था, और उन्होंने एक कागज़ की कलाकृति देखी जिसमें सूर्य मंदिर का विवरण था। उसका गुम्बद फीट नहीं खा रहा था, ठीक उसी समय उसका पुत्र यहाँ पर पहुँच जाता है, और वो कागज़ पढ़ा हुआ था, वो स्मरण था। उसके पिताजी जो मुख्य मिस्त्री थे यहाँ के, वे गुम्बद लगाने में सक्षम नहीं थे क्योंकि वे नक्शा घर में ही भूल गए थे। राजा का सख्त आदेश था कि यहाँ पर सूर्य मंदिर का जब तक निर्माण नहीं होगा आप लोग नहीं जा सकते हैं। उसका पुत्र आया और अपने पिता से भेंट किया। इसमें एक गिनती के आधार पर राजा ने कारीगर रखे थे, तो प्रतिदिन उनकी गिनती होती थी। राजा ने उसे छिपा दिया, राजा के डर से वे उस बच्चे को छिपा दिए, और अपने पिताजी को काफ़ी व्यथित देखने के कारण पुत्र ने पूछा कि पिताजी आपकी समस्या क्या है। समस्या का हल राजा हमें जाने नहीं देता है, एक निश्चित आदमी ही इस कांड को करेंगे, ऐसा कहा गया है राजा के द्वारा। लंगड़ा नरसिंह देव लंगड़ा राजा था, इसलिए पुत्र मैं व्यथित हो कि मैं गुम्बद फिट नहीं कर पा रहा हूँ। प्राप्त सूत्रों के अनुसार ये गुम्बद चुंबकीय शक्तियों का भंडार था, इसके ऊपर से हवाई जहाज या पक्षी भी नहीं उड़ते थे दोस्तों। उसका पुत्र को वो बातें याद थी, नक्शा के आधार पर उन्होंने एक दिन समय बचा था 12 साल पूर्ण में, तो वह इसका निर्माण कर देता है। और पूजा की बात आती है, सबका खोज होता है, तो बच्चा सूर्य मंदिर से ही यहाँ पर छलांग लगा देता है। छलांग लगाने के क्रम में उनकी जान चल जाती है, ये बात राजा को मालूम नहीं होती है, और राजा पूजा के तैयारी में लग जाते हैं, पूजा कर भी लेते हैं। लेकिन जब बाद में इन बातों का पता राजा लंगड़ा नरसिंह देव को पड़ता है, तो इन्होंने इस मंदिर को अभिशापित घोषित करते हुए इसकी पूजा अर्चना बंद कर दी थी, और इस पूजा अर्चना नहीं होने के कारण ये इसमें पूजा नहीं होता है अभी। इस कारण है, अगर आप लोग आ जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर चढ़ना मना है इन सीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि इस मंदिर को वेनसांग ने तोड़ दिया था, और यहाँ की अकूत संपत्तियों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया था बाद में, और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा यहाँ का सोना का गुंबद तोड़ा गया और अधिकार में लिया गया दोस्तों। उस वक्त से यहाँ सरकार ने इसमें बालू भर दी, तो यूट्यूब में है भैया, थोड़ा सा बता दीजिए। सूर्य देवता का प्रथम रश्मि की किरण यहाँ पड़ती है, और इसी कारण सूर्य देवता का प्रथम प्रकाश पड़ता है, और इसमें वार्षिक मेला दिसंबर में एक बार लगता है दोस्तों, और यही कारण है कि इसमें लोग चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं, जूता भी तिक्खे पहनकर ऊपर चढ़ रहे हैं। इसमें पूजा पाठ अभी वर्जित है,
और मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मनुष्य के प्राकृतिक देखिए दोस्तों छटाओं को वर्णन करता है और कामसूत्र के यहाँ पर आपको नकाशी मिलेंगे दोस्तों। और ये देखिए आक्रमणकारियों यूनानियों के द्वारा इसको तोड़ फोड़ किया गया, दो तीन बार अटैक हुआ और इसकी जो रथ की चक्का होती है दोस्तों ये 8 प्रहर की सही गणना धूप रहती है तो बताती है हमें, इससे भी आतताइयों के द्वारा काट छांट किया गया है। प्राकृतिक धर्म वाले स्थानों को तोड़ फोड़ करने में बाहरी आक्रमणकारी बहुत हावी थे, वे सनातन धर्म को मिटाना चाहते थे, इन कारणों से इनका तोड़फोड़ हुआ है। इसका चक्का था दोस्तों और है भी, लेकिन अभी टूट फूट जा रहा है। यही चक्का भारत का राज्य उड़ीसा का सिंबल है। इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे पत्थर हैं, इसे तोड़ फोड़ गया है, अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया गया है। यहाँ की कलाकृतियाँ आपको देखने में ऐसे मालूम होगी कि ये बहुत पुरानी सभ्यता को दिखाती है। यहाँ देख सकते हैं कामसूत्र की विभिन्न क्रियाओं का वर्णन इसमें वर्णित है। और यहाँ पर बहुत सारी कार्य प्रणालियों मानव के द्वारा जो होती है उसका वर्णन आपको दिखा सकते हैं। उसकालीन सभ्यता में भी देखिए ऊपर चढ़ना मना है क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसकी। रिपेयरिंग सरकार द्वारा बीच में किया गया है, देख सकते हैं नया कुछ जोड़ा गया है घर। और उस कालीन भी देखिए ये जो है लोहा का धातु है, तर्क चालक के लिए बनाया गया था। उस कालीन वैज्ञानिक भी कितने मतलब कितने हावी थे और कितने ज्ञानवान थे, इन्हीं का वर्णन ये देखने को मिलता है। उदयतु ब्रह्मरूपं मध्याह्ने च महेश्वर अष्टमीते भवति विष्णु त्रिमूर्ति पुत्र विभिन्न मूर्तियों को देखिए तोड़ दिया गया है दोस्तों। गाइड बता रहे हैं अफ्रीका वाला गिफ्ट कीजिए राजा, जब लक्ष्मीला गिफ्ट कीजिए तब जिराफ ये राजा रानी है ना, किंग होता है राजा रानी भालू मोती जो टूट गया। अच्छा पुराना जो टूटी ने पिछले लोट है ये पुराना लोट में यही करता है। अभी सूर्य बैठाएगा ये मंदिर को, ये मोदी मोदी सरकार का अंदर है ना, ये सही अंदर हर कल इधर आए पूरा मंदिर ले रखा है जितना में धूपों को सब के सब घड़ी होता है। देखिए क्या कैलकुलेशन, अभी तो धूप नहीं टाइम पता नहीं कर पाएगा, कैलकुलेशन बोल देगा आगे को सूर्य होते हैं वो तो धूप सामने से इसका पहुँचा है पहले इधर यहाँ से इसका तो आगे से धूप लगेगा ना इसका तो देखिए बता रहे हैं दोस्तों आगे आएगा यहाँ से पास किया तो सुबह का छो
उदय के बाद सूरज का मूवमेंट ऊपर, तो वो परछाई क्या होगा नीचे? यहाँ से यहाँ के जो सफर है परछाई का, उसका जो टाइमिंग है 3 आवर्स, 3 घंटा, तो एक गैप एक प्रहर को दर्शाता है। एक मिनट भैया, मुझे ना मैं वीडियो करती हूँ। हाँ, ये मैम संडाल है, ये मंदिर के दोनों ओर 24 पहिया 24 घंटा को दर्शाता है। एक साथ जितने में जो पता है ये सब के सब घड़ी बन जाता है। सामने की ओर यानी पूर्व दक्षिण के बीच में जब सूर्य उदय होता है पहला जो एक्सिल है यही एंगल से, तो उसका परछाई जाएगा आगे। यहाँ से सुबह का 6 उदय के बाद सूरज का गति ऊपर हुए तो परछाई क्या होगा नीचे, 1 क्लॉक। यहाँ से यहाँ तक परछाई का सफर 3 घंटा, 1 गैप 1 प्रहर, पूरे हुई में 8 गैप 8 प्रहर यानी 24 घंटा को दर्शाता। और 1 गैप बीच में 2 भाग, 8 को हुआ 16, 16 घड़ी, 1 घड़ी 1.5 घंटा। और 1 गैप, और 1 गैप में साथ करके एक बॉल है, गोली है। देख सकते हैं दोस्तों काम क्रिया की गतिविधियां यहाँ पर दिखाई गई है, और यहाँ पर बहुत सारे चक्र लगे हुए हैं। 8 प्रहर का चक्र ये बताते हैं। देखिए यहाँ की नक्काशियाँ सब के सब काम सूत्र के आधार पर बनी हुई है, और आक्रमणकारियों के द्वारा इसे तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया गया, लेकिन बड़ा मंदिर था आंशिक टूटा दोस्तों, और बाद में रख रखाव नहीं होने के कारण ये मंदिर टूटता चला गया। ये पत्थर मिलता नहीं है, साउथ इंडिया से मिलता है यार, प्रचलित पत्थर है सर। ये प्रभात है, ये मध्यान है, अष्टगामी कोने में 3 है। अब पूरा मंदिर के देखा कमल का फूल का बना लुटे पूरा गणितीय इसमें जोड़ घटाव है भैया, पूरा गणितीय जोड़ घटाव है। चला 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 देख सकते हैं दोस्तों काम क्रिया की गतिविधियां इसमें दिखाई गई हैं, जो बहुत ही रमणीक बनाई गई थी उस वक्त। आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। देखिए मूर्ति काली, काली मूर्ति जो है ना आ रहा है, आ रहा तेज मूर्ति इसमें जो बनी हुई है बहुत ही सुंदर है और सजीला है। इसका लोकेशन बहुत ही सुंदर था, लेकिन यूनानियों तोड़ताड़ के द्वारा इसको बहुत क्षतिग्रस्त किया गया, और क्षतिग्रस्त करने के बाद इसे लूट लिया गया। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ की नक्काशियाँ, इसे क्षतिग्रस्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन ये अभी भी ये जीवित है। क्या ही तो खत्म हो गई है।
इसका जीर्णोद्धार अभी होने वाला है मोदी सरकार के द्वारा, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। ओडिशा सरकार और मोदी सरकार मिलकर इसका पूरा जीर्णोद्धार करने का प्रयास करने वाले हैं, और यहाँ ऊपर चढ़ना एकदम सख्त बना है। पहले का लोहा है ना, देखिए जॉइंट के बड़ा बड़ा बीम जो अब देखे है ना, पहले का लोहा, पहला कारखाना मिलते नहीं थी, पीछे का बना था, अब ये सब मिलेगा नहीं। देखिए दोस्तों, प्राचीन कालीन लौह अयस्क अभी भी जस कटा से जंग लगने की संभावना नहीं है, और यहाँ पर सभी क्रियाएं दिखाई गई हैं मानव जीवन की, जो क्रमशः आप देख ही सकते हैं जूम करके। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पूरी विजिट का दर्शन आप लोग कर चुके हैं। ये चक्र जो है सूर्य का रथ का चक्र था, यहाँ घोड़ा सात घोड़ा लगे हुए थे जिनको तोड़ दिया गया है, और इसका कुछ कुछ अवशेष आपको देखने को मिलेगा। जो टूटा हुआ घोड़ा था, यह ऐसे घोड़ा चलते हुए सूर्य का रथ को चलते हुए जैसे दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और काले पत्थरों से बना इसका दरवाजा, मुख्य दरवाजा बहुत ही सुंदर था दोस्तों। इनको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, और एक पर्यटक स्थल के रूप में चिन्हित है। और देखिए स्कूल की बच्चियाँ भी आई हैं देखने के लिए, और ये व्यू देखकर सभी को अपनी पुरानी संस्कृति की याद को ताज़ा कर लेते हैं। दोस्तों कहाँ से बाबा आप कहाँ से आए हैं? संबलपुर। अच्छा, पहली बार तो नहीं होगा, आप बहुत बार आए होंगे ना? टूटा फूटा सामान था, वो भी टूट फूट जा रहा है अब। और मैं आपको गाइड मिल जाएगा पूरी जानकारी देने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, विजिट अगेन, पूरी दर्शन आप सभी को धन्यवाद। निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद, और जो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए।